सल्फाइड साल्ट का टेस्ट करने के लिए हम उसका सोल्यूशन लेंगे वाटर के अंदर। ये हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन है सल्फाइड साल्ट का। इसके अंदर हम डिल्यूट HCl ऐड करेंगे, डिल्यूट HCl ऐड करेंगे। और अगर रॉटन एग स्मेल आती है आपको तो वो H2S गैस की वजह से होती है, और ये कंफर्मेशन होती है कि इसमें सल्फाइड आयन मौजूद है। तो ये हमने इसमें डिल्यूट HCl ऐड किया। अब देख सकते हैं कि ये जो गैस इवॉल्व हो रही है, इसकी जो स्मेल है वो रॉटन एग स्मेल है। अब इस गैस की कंफर्मेशन क्या होती है कि लेड एसिटेट सॉल्यूशन या लेड एसिटेट पेपर को ये गैस ब्लैक कर देती है। तो ये मैं इसमें लेड एसिटेट सॉल्यूशन ऐड करूंगा, और अगर ये सॉल्यूशन ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो गैस प्रोड्यूस हो रही है वो रॉटन H2S गैस है। कंफर्मेटरी टेस्ट करने के लिए पहला कंफर्मेटरी टेस्ट हम करेंगे अगेन सल्फाइड साल्ट का। हमने सॉल्यूशन ले लिया और उसके अंदर पहला हम कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे लेड एसिटेट्स। ओरिजिनल सॉल्यूशन में अगर आप लेड एसिटेट ऐड करें और ब्लैक कलर के पीपीटी बन जाएं तो इसका मतलब है कि ये सल्फाइड आयन मौजूद है इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें लेड एसिटेट ऐड किया तो ये ब्लैक कलर का पीपीटी जो है वो फॉर्मेशन हुई है, ये सल्फाइड आयन को कन्फर्म करती है। दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट करने के लिए हम दोबारा से सल्फाइड आयन का सल्फाइड साल्ट का सोल्यूशन लेंगे और उसके अंदर कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, और कॉपर सल्फेट ऐड करने से अगर व्हाइट कलर के ब्लैक कलर के पीपीटी बन जाते हैं तो इसका मतलब है कि ये सल्फाइड आयन मौजूद है इसके अंदर। तो इसमें हम कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, ये आप देख सकते हैं जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट ऐड किया तो ये ब्लैक कलर की पीपीटी फॉर्मेशन हुई है जो सल्फाइड आयन को कंफर्म करती है।